आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। नमस्कार, मैं हूं अनुज सोनी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राधा कृष्ण को रंग लगाकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की सुजानपुर राष्ट्रीय होली मेले की शुरुआत। धारा 118 के कारण नहीं आ रहे निवेशक, जयराम बोले एक्ट में होगा संशोधन। हिमाचल में गर्मी की आहट, 30 डिग्री तक पहुंचा ऊना बिलासपुर भुंतर का पारा। बजट से पहले 3 मार्च को मंत्रिमंडल की बैठक। ई विधान प्रणाली के लिए हिमाचल को राष्ट्रीय पुरस्कार, हैदराबाद में मिला सम्मान। लग वैली के शिलाग्राम में 3 मकान राख, 13 मवेशी जिंदा जले, 8 परिवार बेघर। ओमान की कंपनी के चंगुल में फंसे 2 हिमाचली युवक, दिव्य हिमाचल टीवी से साझा किया वीडियो। दिव्य हिमाचल न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय नेक्सस सोलन। और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन में अब बात करते हैं रंगोत्सव होली की। उमंगों का पर्व होली सबके लिए खुशियां और उमंगे लेकर आए। लोग बैर विरोध को मिटाकर मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रंग खेलें, यही मेरी मंगल कामना है। ये शुभकामनाएं देकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय होली मेले का शुभारंभ किया। मुरली मनोहर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण राधा को रंग लगाकर व विधिवत पूजा अर्चना कर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय उत्सव का आगाज किया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी सीएम के साथ मौजूद रहे। महोत्सव के शुभारंभ के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री का स्थानीय कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा ने भी गर्मजोशी से स्वागत किया। उधर चाय नगरी पालमपुर में भी 4 दिवसीय राज्य स्तरीय होली मेले का भव्य शोभा यात्रा से आगाज हुआ। उपायुक्त संदीप कुमार की अगुवाई में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से गांधी मैदान तक निकला काफिला आकर्षण का केंद्र बना रहा। हालांकि मेले का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री ने करना था, लेकिन जरूरी मीटिंग के चलते वह नहीं आ पाए। राज्य स्तरीय पालमपुर होली महोत्सव का आज शुभारंभ हो रहा है। मैं अपनी तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से और समस्त प्रदेशवासियों की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि धारा 118 की जटिलता ने उद्योगों को बेड़ियों में बांध रखा है। इसकी पेचीदगियों के चलते निवेशक हिमाचल आने से परहेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हितों को सबसे ऊपर रखते हुए ही लैंड टेंडेंसी एक्ट की धारा 118 में संशोधन होगा। इसके लिए आम जनता के सुझाव लेने को कहा गया है। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्र स्तरीय होली महोत्सव के शुभारंभ करने के बाद कही। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य किसी भी राज्य में इस नियम की इतनी जटिलता नहीं है। हिमाचल प्रदेश में धारा 118 से गुजरने के लिए दर्जनों एनओसी और कई चरणों से गुजरना पड़ता है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इस नियम के सरलीकरण की आवश्यकता है। हिमाचल में गर्मी ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। प्रदेश के ऊना का अधिकतम पारा 30 डिग्री से पार हो गया है। बिलासपुर व भुंतर का पारा 30 डिग्री के आंकड़े को छूने के करीब है और हमीरपुर, कांगड़ा व चंबा का पारा 25 डिग्री से पार हो गया है। प्रदेश के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का उछाल आया है। मौसम विभाग की माने तो समूचे प्रदेश में बुधवार को भी मौसम खुश्क बना रहेगा, मगर विभाग द्वारा राज्य में 1 मार्च से मौसम में फिर से करवट आने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में 1-2 मार्च को कुछ स्थानों पर बारिश की उम्मीदें जताई जा रही हैं। इस दौरान शिमला, कुल्लू, मंडी, किन्नौर, लाहौल स्पीति, सिरमौर में अनेक स्थानों पर बारिश बर्फबारी की संभावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 6 मार्च से शुरू होने जा रहे बजट सत्र से पूर्व मंत्रिमंडल की बैठक 3 मार्च को शिमला में बुलाई गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में बजट सत्र से पहले फिर कई और ऐसे तीर सरकार अपने तरकश में डाल सकती है जिनसे कांग्रेस खेमे में और खलबली मच सके। सरकार इस बैठक से पूर्व अपने कामकाज की समीक्षा कर चुकी है। ये बैठक क्योंकि ठीक सत्र से पहले होगी, लिहाजा बजट सत्र में पेश होने वाले विधेयकों, संशोधित विधेयकों व कई और मसौदों पर चर्चा के बाद उन्हें पेश करने के लिए अनुमोदित किया जा सकता है।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में स्थापित देश की सर्वप्रथम ई विधान प्रणाली को ई गवर्नेंस में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग भारत सरकार द्वारा आयोजित 21वें राष्ट्रीय सम्मेलन हैदराबाद में 27 फरवरी को दिया गया। इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने निदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी अध्यक्ष धर्मेश कुमार शर्मा को अधिकृत किया है। NSUI के प्रदेशाध्यक्ष करुण शर्मा अपने निष्कासन पर खूब लाल पीले हुए, निष्कासन को गलत करार देते हुए आत्मदाह की चेतावनी दे डाली। ऊना में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष 11 मार्च तक मेरे पार्टी विरोधी काम करने के सबूत व तथ्य सार्वजनिक करें, सबूत सार्वजनिक ना करने पर वह 15 मार्च को PCC कार्यालय के समक्ष आत्मदाह कर लेंगे। करुण शर्मा ने कहा कि वह NSUI के चुने हुए प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर कोई पार्टी विरोधी कार्य किए हैं तो इसके सबूत सामने रखे जाएं। करुण शर्मा ने सुखविंदर सिंह सुखू को कहा कि वे पहले संविधान पढ़ें, संविधान के अनुसार अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो इसके लिए केवल NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही अधिकृत हैं। जिला मुख्यालय कुल्लू के साथ सटी लग वैली के शिल्ला ग्राम में मंगलवार को आग लगने से 3 मकान राख हो गए, जबकि 13 पशु भी जिंदा जल गए। ग्रामीणों ने अपने ही स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया और आग पर काबू पाया। आग इतनी भयंकर थी कि इस पर काबू पाने के लिए 2 घरों को भी उखाड़ना पड़ गया। तहसीलदार वेद प्रकाश ने नुकसान का आकलन किया। अग्निकांड से 8 परिवारों के 39 सदस्य बेघर हुए हैं। प्रभावितों को प्रशासन की ओर से 10-10 हजार की फौरी राहत दी गई है। तो पूरी जानकारी नहीं, मतलब जैसे लोगों के सुना के यहाँ शॉर्ट सर्किट से आग लगी। अरब कंट्री ओमान में एक कंपनी की तानाशाही के चलते 2 हिमाचली युवकों सहित करीब 100 कामगार कंपनी के चंगुल में फंस गए हैं। पीड़ित कामगारों ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से वतन वापसी की गुहार लगाई है। भारतीय कामगारों ने कंपनी की ज्यादती का सच एक वीडियो के माध्यम से दिव्य हिमाचल के साथ साझा किया, जिसमें बताया गया है कि कंपनी 4 महीने से इन कामगारों को वेतन नहीं दे रही है और ना ही ड्यूटी पर ज्वाइन करवा रही है। इन सब का 4-4 महीने का सैलरी बाकी है और 3-4 महीना ड्यूटी छोड़े हुए हो गया। ये कंपनी ना तो इन्हें घर भेज रही है और ना ही सैलरी का पैसा दे रही है। आंध्र प्रदेश में चल रही 10वीं जूनियर बीच कबड्डी प्रतियोगिता में हिमाचल की महिला व पुरुष टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। महिला टीम ने अपने पहले मैच में मेजबान आंध्र प्रदेश को हराकर 6 अंकों से जीत हासिल की। दूसरे मैच में टीम ने चंडीगढ़ की टीम को 12 अंकों से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं पुरुष वर्ग ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। प्रदेश के अग्रणी मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल के स्वच्छता अभियान का काफिला मंगलवार को चंबा के चुवाड़ी कस्बे में पहुंचा। चुवाड़ी में दिव्य हिमाचल के बैनर तले स्कूली छात्रों ने कस्बे में स्वच्छता रैली निकालकर लोगों को साफ सफाई को दिनचर्या के तौर पर अपनाने को प्रेरित किया। रैली की अगुवाई जनहित सभा चुवाड़ी के प्रधान केवल कृष्ण वहल व सचिव उत्तम चंद कौशल ने की। इस दौरान कॉलेज व स्कूली छात्रों व समाज सेवी संगठनों के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने बाजार में कूड़ा करकट एकत्रित कर ठिकाने लगाया। रेफरल अस्पताल चुवाड़ी के गेट से जनहित सभा चुवाड़ी के प्रधान केवल कृष्ण बहल व सचिव उत्तम चंद कौशल ने स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वच्छता रैली अस्पताल गेट से आरंभ होकर चुवाड़ी बाजार, हनुमान मंदिर व बस अड्डे से गुजरती हुई चौगान में जाकर समाप्त हुई। स्कूली छात्रों के नारों की गूंज सुनते ही दुकानदार दुकानों से बाहर निकल आए। वहीं सड़कों पर घूम रहे स्थानीय लोगों के कदम भी ठहर गए। कुल मिलाकर चुवाड़ी में दिव्य हिमाचल की स्वच्छता का अलख जगाने की मुहिम का खासा असर देखने को मिला। 27 फरवरी को दिव्य हिमाचल की ओर से एक बहुत बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम मनाया गया, रैली निकाली गई, जिसमें चुवाड़ी क्षेत्र के सभी लोगों ने भाग लिया और दिव्य हिमाचल का सभी लोगों ने धन्यवाद किया कि इस प्रकार की रैली और इस कार्यक्रम ऐसे प्रोग्राम जो हैं वो बार बार लगने चाहिए ताकि लोग जो हैं वो जागृत हों। स्वच्छता एक सारे देश का कार्यक्रम है, जिसके विषय में दिव्य हिमाचल ने हमें याद दिलाया। और अब चलते चलते कल हिमाचल के विकास का जायजा लेंगे मोदी,
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव देंगे हिमाचल की जानकारी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने परखे विधानसभा के सुरक्षा प्रबंध, अब ऑनलाइन मिलेगा ई प्रवेश पत्र। ऊना में पंजाब के मुख्यमंत्री का फर्जी राजनीतिक सलाहकार गिरफ्तार। हिमाचली तड़का में आज सुनते हैं कुलदीप शर्मा की आवाज में शिमला का ये लोकगीत। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल। दिव्य हिमाचल न्यूज़ बुलेटिन इज़ ब्रॉट टू यू बाय नेक्सा सोलन।